हे क्लास, वेलकम इन टुडेज वीडियो। और आज हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां पर आपको गिवन सेंटेंस को, दिए गए सेंटेंस को चेंज करना होता है नेगेटिव में। और नेगेटिव का मतलब जो होता है वो होता है सेंटेंस में नॉट लगाना, यानी कि उस सेंटेंस में नहीं का यूज़ करना। एज आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल कि एक सेंटेंस है, आई एम अ टीचर, और यदि मुझे बोला जाता है कि इसका नेगेटिव करना है तो उसको मैं क्या बोलूँगी, आई एम नॉट अ टीचर, है ना। तो किसी भी सेंटेंस में नेगेटिव लगा करके, नहीं लगा करके जो सेंटेंस फॉर्म किया जाता है वो नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव बनाने की जो पहली बात होती है, पहली शर्त होती है, वो ये होती है कि सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आप सभी जानते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, कैन, कुड, बहुत सारी ऐसी हेल्पिंग वर्ब है। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस में, उसमें आप नॉट लगा दीजिए, और हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाने से वो सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाता है। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हमारे पास कुछ टेंस ऐसे होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। तो जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तब क्या करेंगे, तब हम वहाँ पर डू, डज या डिड के साथ नॉट लगाएंगे। अब डू कहाँ लगाएंगे, डज कहाँ लगाएंगे और डिड कहाँ लगाएंगे, इसे आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए और नोट करके रखिए। तो यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वी वन मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है, तो वहाँ पर हमें डू के साथ नॉट लगाना होता है, ओके। यदि वी टू है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि सिंपल पास्ट टेंस में होती है, तो वी टू होने पर हमें डिड के साथ नॉट लगाना होता है। और यहाँ आगे क्या करते हैं कि यदि हमने डिड लगाया हुआ है तो वी टू वर्ब की सेकेंड फॉर्म को चेंज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदला जाता है। मीन्स यदि डिड आपने लगाया है तो फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लिखोगे, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखोगे। अगली कंडीशन है कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और उसमें एस लगा हुआ हो, ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जबकि सब्जेक्ट ही, शी, इट या नेम होते हैं। तो ही, शी, इट या नेम होने की कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे एस भी लगा हुआ होता है, तो इन दैट केस हमें क्या करना है, डज का यूज करना है, और डज के साथ नॉट लगा करके नेगेटिव बनाना है। और ध्यान क्या रखना है कि फिर जो वर्ब है उससे हमें एस हटाना है और सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देनी है। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज अ फर्स्ट सेंटेंस, यू वर्क हार्ड, सेंटेंस इज यू वर्क हार्ड। यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हार्ड ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमने देखा कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो हम डू का यूज करते हैं और उसमें नॉट लगा के नेगेटिव बनाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यू और डू नॉट वर्क हार्ड, वर्क है तो उसे, चूंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है तो वर्ब आगे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क ही होगी, बस यहाँ पर डू नॉट ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स, शी वर्क्स हार्ड, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसमें एस भी लगा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पर शी होने के कारण एस लगा हुआ है। तो इस कंडीशन में हमने देखा था कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है और एस लगा हुआ आता है तो हम वहाँ पर डज के साथ नॉट लगाते हैं, तो शी सब्जेक्ट सेम होगा और यहाँ पर डज नॉट आ जाएगा। और आगे हमने देखा था कि जब डज नॉट लगाते हैं तो वर्ब से एस हटा करके भी वन वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं, तो आपको वर्ब से एस हटा देना है और उसे वर्ब में चेंज कर देना है, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन होगा, शी डज नॉट वर्क हार्ड। चलिए आगे देखते हैं, दे वर्कड हार्ड। अब यहाँ पर जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है ये, दे वर्कड हार्ड। वर्कड हार्ड में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने देखा कि जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो हमें वहाँ डिड नॉट का यूज करना होता है, तो दे सेम वही उसी कंडीशन पे होगा और वर्ब है इसलिए डिड नॉट आ जाएगा, और फिर जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म था ये चेंज हो जाएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे, दे डिड नॉट वर्क हार्ड। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब आप डज लगाओगे तो एस हटा करके उसको सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना है, और जब डिड लगाओगे तब भी सेकेंड फॉर्म को चेंज करके सिंपल उसको फर्स्ट फॉर्म पे ही लिखना है।